हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीडे फूड्स। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दानेदार सूजी के लड्डू बनाने वाले हैं। इसे आज हम बिना चाशनी के बनाएंगे और ये लड्डू बहुत आसानी से बन जाता है। तो चलिए इस लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और हम घी को मेल्ट होने देंगे। देखिए घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 1.5 कप सूजी डालेंगे। और सूजी को हम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। जब हम सूजी को लो फ्लेम पर रोस्ट करते हैं तो ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है और इसका कलर भी चेंज नहीं होता है। इसे रोस्ट करने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है? अब देखिएगा, इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी और इसका जो टेक्सचर है वो खिला खिला दिखने लगेगा। तो आप समझ जाइएगा ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 3/4 कप नारियल का बुरादा मिलाएंगे और इसे भी हम सूजी के साथ रोस्ट करेंगे। हमने शुरुआत में नारियल का बुरादा इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि जो नारियल का बुरादा होता है वो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है और सूजी को रोस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर हम शुरुआत में ही मिला देते तो नारियल का बुरादा जल जाता। अगर आप इसमें नारियल का बुरादा नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके जगह पर फ्रेश नारियल को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। रोस्ट करने से वो अच्छी तरह से पक जाते हैं। देखिए ये अब अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर। देखिए कितना खिला खिला इसका टेक्स्चर दिख रहा है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ काजू डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच बादाम, 1 छोटा चम्मच पिस्ता और 1 बड़ा चम्मच किशमिश मिलाएंगे और इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे साथ में। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई करके भी डाल सकते हैं और चाहें तो इस तरह से डाल सकते हैं। ऐसे हम 2 मिनट तक चलाते हुए रोस्ट करेंगे जिससे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो जाएंगे। देखिए ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। टेक्सचर देखिए इसका कितना खिला खिला लग रहा है। अब हम इसमें 3/4 कप पाउडर शुगर डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हम पकाएंगे। देखिए इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप दूध की मलाई डालेंगे। मलाई फ्रेश होनी चाहिए। और 1/4 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। दूध की मलाई डालने से ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। आप अगर मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो 1/2 कप आप इसमें दूध मिला सकते हैं। जब हम चाशनी से लड्डू बनाते हैं तो चाशनी में अगर हल्का सा भी गड़बड़ी होती है तो आपके लड्डू ख़राब बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से लड्डू अपने घर में बनाइएगा तो बहुत आसानी से ये लड्डू बन के तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में और मुंह में घुल जाने वाला लड्डू बन के तैयार होता है। आप एक बार ज़रूर इस तरह से अपने घर में लड्डू बना कर देखिएगा। देखिए इसे पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ढक के रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए जिससे ये हल्का सा ठंडा हो जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए कितना खिला खिला इसका टेक्सचर लग रहा है। ढक कर रखने से ये थोड़ा सा खिला खिला लगने लगता है, इसीलिए आप फ्लेम बंद करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे ढक के रख दीजिएगा। अब हम इसे लड्डू बनाएंगे। जितना बड़ा या छोटा लड्डू बनाना चाहते हैं आप उसके अनुसार ले सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं। देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए आपको लड्डू बनाना है। बहुत आसानी से ये लड्डू बन जाता है। ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगी आपको इस लड्डू को बनाने में। देखिए इस तरह से आपको लड्डू बनाकर तैयार करना है। मैं आपको और एक पीस बनाकर दिखाती हूँ। आप इस लड्डू को फ्रिज में 1 सप्ताह के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं।
और अगर आप एक बार इस लड्डू को बनाइएगा तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत आसान है इसे बनाना और हर कोई इसे बहुत आसानी से अपने घर में बना सकता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।